हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की एक स्वीट रेसिपी, आप इसे सूजी की मिठाई भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है। आप घर में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है, सूजी ली है 150 ग्राम, 150 ग्राम चीनी, चीनी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच हमने कलौंजी ले ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैन में डाल देंगे हम घी, ये जो हमने 1 चम्मच घी लिया है, इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। इसमें डाल देंगे सूजी, सूजी को हमें थोड़ा भून लेना है। ओनली हमने सूजी का कच्चा पन निकालना है, भूनना है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें सूजी को ब्राउन करना है। जैसे कि हम हलवे के लिए सूजी को भूनते हैं, बस उसी तरह से हमें सूजी को थोड़ा भून लेना है। तो गैस की फ्लेम हमने कर दी है लो मीडियम के बीच, और चलिए इसे इस तरह से भून लेते हैं थोड़ी देर। तो सूजी को हमने लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो इसमें डाल देंगे हम पानी, गैस की फ्लेम को हम लो पे कर लेंगे पानी डालने से पहले। तो चलिए पानी डाल देते हैं, हमने 1 कप पानी डाला है, और ये 2, मतलब मैंने इसमें टोटल डाल दिया है 220 ml पानी, 220 ml पानी इसमें डाल दिया है। बस इसके गट्ठे जो बनेंगे वो हम निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को अब हम कर लेते हैं मीडियम पर, मीडियम या हाई पर, बस इसे मिक्स करना है। 150 ग्राम सूजी में हमने 220 ml पानी डाला है, थोड़ा सा और डाला है तो आप 240 ml भी बोल सकते हैं। तो बस मिक्स कर देना है, और साथ में इसमें अब हम चीनी भी ऐड कर देंगे। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कम या ज़्यादा, आप उतनी चीनी ऐड कर दीजिए। और अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर देते हैं, लो मीडियम के बीच। तो चीनी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, बस हमें इतना करना है कि जो थोड़ा मिक्सचर है ये थोड़ा टाइट हो जाए, इतनी देर तक हमें इसे मिक्स करना है। तो ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, पैन भी छोड़ दिया है, ये देखिए इस मिक्सचर ने, तो हमारा मिक्सचर रेडी है। तो गैस को कर देंगे बंद, और इसे हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हम इसे ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि हम इसे हाथ से टच कर सकें। तो चलिए ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह से। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मिक्सचर हमारा थोड़ा सा टाइट हो चुका है। अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, मतलब इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ से टच कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथ से टच कर सके। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा कर ले, बस इतना कि हम इसे हाथ से टच कर सके। तो चलिए अब इस तरह से हम छोटे छोटे से रोल बना लेंगे। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि सूजी है तो हाथों में चिपकती है। तो इस तरह से रोल बना लेंगे इसके, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बहुत हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इस तरह से। और इस तरह से सभी बनाकर हमने साइड में रख लेने हैं। और फ्रेंड्स, ये हमें फटाफट से बनाने हैं, इससे पहले कि जो हमारी सूजी का मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे बीच में, और ये प्रॉपरली जो है फ्राई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें फटाफट से गरम गरम में ही इन्हें बना लेना है। ये हमने सारी सूजी की पूरियां जैसी बनाकर रेडी कर दी है, तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं अब। तो ये हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, तो छोटी सी पूरी डालकर देख लेते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो प्रॉपरली गर्म है या नहीं।
तो ऑयल हमारा प्रॉपरली गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम पर और अब हम ये जो बाकी की हमने छोटी छोटी सी पूरियाँ बना कर रखी है ये डाल देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा कढ़ाई को ओवर क्राउडेड नहीं करना है, जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप डाल दीजिए। तो अभी तो हम इसमें इतनी ही डालेंगे और अभी हम इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम टच करेंगे तो जो ये सूजी की जो पूरियाँ बनाई है ये इससे चिपक जाएगी और उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा फ्राई होने देंगे उसके बाद ही हम इसे छेड़ेंगे। तो हल्की सी फ्राई हो चुकी है, मतलब एक दूसरे से अभी ये चिपकेगी नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से पलट देंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मतलब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो एक प्लेट में इसे हम निकाल देते हैं और जो बाकी के हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे बाकी बैचेस। अभी सूजी की पूरियों को फ्राई कर दिया है, इसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स ये हमारी सूजी की स्वीट्स बनकर रेडी है। एक आपको तोड़ कर दिखा देते हैं कि किस तरह से बनी है ये। देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत ही थोड़े लगे हैं। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।